ज्योग्राफी लेक्चर्स की सीरीज में अभी तक हमने दो तरह की एक्टिविटीज को पढ़ लिया है। नंबर फर्स्ट पे हमने पढ़े हैं प्राइमरी एक्टिविटीज को, और उसके बाद हमने कवर किए हैं सारे लेक्चर्स के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज जहां पर हमें ये बताती हैं कि जितनी भी एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सर्विसेज हैं वो सब की सब प्राइमरी सेक्टर में काउंट की जाती हैं। वहीं पर हमने ये समझा कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर सामान बनाया जाता है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, वो सारी इंडस्ट्रीज, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। उसी सीरीज में आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर हमारा, जिसका नाम है टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। प्राइमरी को समझ लिया, सेकेंडरी को समझ लिया, आज हम बात करेंगे टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का, कि टर्शरी सेक्टर में या फिर टर्शरी एक्टिविटीज में और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में कौन कौन से काम या क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट आर टर्शरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इसमें उसने लिखा है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, व्हेन यू फॉल इल यू गो टू योर फैमिली डॉक्टर और यू कॉल अ डॉक्टर, समटाइम्स your parents take you to a hospital for treatment, while in school you are taught by your teachers, in the event of any dispute legal opinion is obtained from a lawyer, likewise there are many professionals who provide their services against payment of their fee। देखिए इसमें ये कह रहा है कि कभी कभार हम घर पे बीमार पड़ जाते हैं तो हम पेशेंट को कहाँ लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कभी कभार हमें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाता कौन है, एक टीचर पढ़ाता है हमें। इसी तरह से किसी लीगल डिस्प्यूट के टाइम पर हम एक लॉयर से, एक वकील से क्या करते हैं, लीगल ओपिनियन लेते हैं, लीगल एडवाइस लेते हैं उससे। तो अगर आप तीनों चीज़ों को नोट करोगे तो हर जगह पर कोई एक ट्रेंड और वेल प्रोफेशनल इंसान है जो हमारी हेल्प कर रहा है, बदले में हम उसको थोड़े से पैसे देते हैं, थोड़ी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट के बदले में वो क्या करता है, हमें एक पार्टिकुलर सर्विस देता है। तो जो टर्शियरी सेक्टर है ये बेसिकली सर्विस बेस्ड है, इसमें चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है बल्कि हमारे कुछ काम किए जाते हैं। प्रोफेशनल लोग होते हैं, वेल ट्रेंड लोग होते हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने अपने फील्ड में स्पेसिफिक सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, बदले में वो हमसे पेमेंट्स लेते हैं। तो बस यही जो सर्विस सेक्टर है, इसी सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर या फिर टर्शरी एक्टिविटीज बोला जाता है। आगे हमारी बुक में लिखा है, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एटसेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स, दीज सर्विसेज रिक्वायर अदर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखो, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस और इंटरटेनमेंट, ये सारे काम जो होते हैं, जैसे हमारे एक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड में बैठे हुए, वो सब क्या करते हैं, हमें रिक्रिएट करते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं वो। टीचर हमें पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स हमें हमारे हमें मेडिकल सर्विसेज देते हैं, इसी तरह से जो लॉयर हैं वो हमें लीगल एडवाइसेज देते हैं। तो जितने सारे भी ये काम हैं, अगर आप सभी सर्विसेज के ऊपर फोकस करोगे तो हर एक फील्ड में काम करने वाले इंसान को एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेनी पड़ती है और साथ साथ में उनको प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो इस तरह के जो हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, उनको हम टर्शियरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। आगे हमारी बुक में लिखा है, टर्शियरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। मैन पावर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर एज मोस्ट ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाई स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। देखिए, जो भी हमारा टर्शियरी सेक्टर है ये सर्विस बेस्ड है, मैन पावर बेस्ड है। इसमें आपको ना तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ना फैक्ट्रीज में कुछ बनाना पड़ेगा, ना खेतों में जाके काम करना पड़ेगा। ये जो टर्शियरी सेक्टर है ये सिर्फ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और मैन पावर का सेक्टर है, जहां पर हम स्किल्ड लोगों को पेमेंट करते हैं, बदले में वो हमें सामान उठा करके नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं,
वो बदले में सामने से हमें कुछ काम करके देते हैं, हमें कुछ वैल्यूएबल सर्विसेज देते हैं, जैसे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो भी लोग, जो भी इंसान हमारे लिए कुछ काम करते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं, उन सभी सर्विसेज को टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें आगे लिखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स आर वर्क फ्रॉम अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्डरर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारे लोग हाईली स्किल्ड होते हैं, अपने अपने फील्ड में ये लोग मास्टर होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, जिन स्किल्स के बेसिस पर ये पब्लिक को जाकर के अपनी सर्विसेज देते हैं। जो प्लम्बर है वो अपने काम में मास्टर होगा, जो डॉक्टर है वो अपने फील्ड का प्रोफेशनल है, जो टीचर है उसके पास अपना एक अलग स्पेसिफिक प्रोफेशन है, उसके पास भी अपना एक टैलेंट है जिसके बेसिस पर वो लोगों को सर्विस देता है, बच्चों को पढ़ाता है वो। इसी तरह से जो बार्बर है वो भी अपने काम में माहिर है। तो स्किल्ड लोग जो पार्टिकुलर फील्ड्स के अंदर सर्विसेज देते हैं, उन लोगों को टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज और किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। आने वाले एपिसोड्स में एक एक करके सारे मेजर टॉपिक्स को कवर किया जाना है, और आप सीरीज में लेक्चर्स को देखते रहें तो ही आपको बात एकदम सीरीज में समझ आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।